After studying about the various parts of the human eye, we will discuss the defects of vision. So, jo defect of vision hum discuss karne wale hain, there are three defects of vision which we are going to discuss today. These are myopia. Myopia, it is also called nearsightedness. Second type of defect of vision is called hypermetropia. Hypermetropia is also called farsightedness. And third defect of vision we are going to discuss is presbyopia. Right. Let us discuss them one by one. So in myopia, the person can see the nearby objects clearly. In order to understand these defects of vision, let us introduce two important points. One is called near point. जिन लोगों की आंखें बिल्कुल सही होती हैं, उनका जो near point है, normal human eye का, it is 25 centimeter. Person to person matter करता है, लेकिन average जो है वो 25 centimeter आता है. 25 centimeter. ठीक है. And second, the far point is called far point of normal human eye is infinity. तो जिसको ये मायोपिया है उसको पास के ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं. मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो नहीं दिखाई देगा. ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देगा? लेट अस सी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से सारी रेज पैरेलल आती है. ठीक है, तो जिसको ये बीमारी है मायोपिया, ये जो रेज आ रही है वो फोकस रेटिना पर नहीं हो पा रही. आप देख सकते हैं फोकस कहाँ हो रही है, बीच में कहीं हो रही है. तो इमेज रेटिना पर बनी नहीं तो साफ साफ दिखाई नहीं देगी. तो जिनको मायोपिया होता है, ठीक है, उनको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, सिर्फ पास के दिखते हैं. अच्छा, ऐसा होता क्यों है? द कॉज ऑफ द डिफेक्ट ऑफ विजन इज नंबर वन, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल. जो आईबॉल है वो लंबी हो जाती है. सेकेंड इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस. ये जो आई लेंस है इसका कर्वेचर ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर आपकी जो कॉर्निया है वो ज्यादा ग्रो कर जाती है. एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, दीज आर द टू रीजंस बिहाइंड द मायोपिया. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जिस पर्सन को दूर का दिखना चाहिए वो दूर का नहीं दिखता, उसका फार पॉइंट चेंज हो जाता है और थोड़ा पास आ जाता है, तो फार पॉइंट शिफ्ट हो गया. तो अब उसको सिर्फ फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट दिख पाएगा, या उससे पहले यहाँ पर होगा दिखेगा, यहाँ पर होगा दिखेगा, यहाँ पर होगा दिखेगा, यहाँ पर होगा दिखेगा, लेकिन ओ से पीछे हुआ नहीं दिखेगा. तो अब हम चाहते हैं कि ओ से पीछे वाला ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे. तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए वी यूज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इमेज है, इमेज कहाँ बन रही है, इसमें यहाँ पर बन रही है, रेटिना और लेंस के बीच में. तो इसको ठीक करने के लिए यूज डाइवर्जिंग लेंस. हम रेज को डाइवर्ज करवा देते हैं, एंड द डाइवर्जिंग लेंस आर कॉन्केव लेंस. इनकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, आप देखेंगे इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, डाइवर्जिंग लेंस जो है रेज को डाइवर्ज करता है. डाइवर्ज करने की वजह से इसकी एक वर्चुअल इमेज ओ डैश पे बनती है. तो वो इमेज जो है हमारे फार पॉइंट पर ले आती है, जिसको बीमार जिसका फार पॉइंट चेंज हो गया है उसके फार पॉइंट पर इमेज बनाता है कॉन्केव लेंस. तो फार पॉइंट पर जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर दिखाई देगी. And that is how we can see, myopic person can see the object with the help of suitable concave lens. I mean, कोई भी concave lens लगा दिया एक particular, क्योंकि हर एक person की जो आंखों का number है वो different होता है. तो अब ये concave lens की power किस चीज़ पर depend करेगी? Concave lens की power depend करेगी far point पे, कि आपका far point क्या है. Question में आपको अगर far point दे रखा है, suppose करो कि far point दे रखा है 80 centimeter. तो सबसे पहले हमें काम करना है 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट बाय 100 और देन वी विल अगेन फाइंड आउट पावर. पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, वेयर f इज फोकल लेंथ. लेकिन इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे. यू कैन सिंपली राइट इट द पावर एज p इज इक्वल टू 1/4 पॉइंट. ठीक है, ये 1/4 पॉइंट क्यों आएगा, वो अगर आप लेंथ फॉर्मूला डाल दोगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो आप देखेंगे कि हम जो है 1/v माइनस 1/u है, तो u जो है इन्फिनिटी होता है, 1/∞ जीरो होता है, इसलिए कैंसिल होता है. तो 1/v इक्वल टू 1/r होता है. तो सिंपली अगर आपको फार पॉइंट पता है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द
नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपको मायोपिया समझ में आ गया तो हाइपरमेट्रोपिया बहुत ईजी है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि पर्सन को पास का नहीं दिखता, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिखता। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, तो जिसको ये बीमारी होती है उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, इट शिफ्ट अवे फ्रॉम ह्यूमन आई, फ्रॉम नियर पॉइंट इट शिफ्ट अवे। तो ये जिसको बीमारी है उसका नियर पॉइंट मान लो ये है, और ये जो है ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर नहीं है, हो सकता है 50 हो, 25 से ज़्यादा हो, इट विल बी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर जिसको ये बीमारी, ठीक है, 25 से ज़्यादा 26 28, ठीक है, तो इट इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर। अब ये क्यों होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है, जैसे उसमें एक्सेसिव कर्वेचर हो रहा था, इसमें ड्यू टू लेस कर्वेचर है। या आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो देर है इट्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, द रीजन बिहाइंड द हाइपरमेट्रोपिया इज नंबर वन शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो है वो छोटी होती है। दूसरा कर्वेचर बढ़ गया था उसमें, इसमें कर्वेचर कम हो जाता है, कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, सो इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट इज द सेकेंड रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आप देख सकते हैं कि जिस पर्सन को ये हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है, अगर 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहाँ बनी, रेटिना के पीछे, साफ साफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि रेटिना पर नहीं बनी। तो हम चाहते हैं कि रेटिना पर इमेज बने, हम करेक्ट इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेक्ट करने के लिए वी यूज द सूटेबल लेंस, वी यूज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, रेज कन्वर्ज कर देता है, जो रेज दूर जा रही थी उसको और पास ले आता है, कन्वर्ज कर देता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे था आई से, ये लेंस जो है इसकी वर्चुअल इमेज हमारे जिस पर्सन को ये हाइपरमेट्रोपिया है उसके नियर पॉइंट पर बनाती है, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनी। अब ये पर्सन जो है इजिली इसको देख सकता है बिकॉज इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना। अगेन इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है, और इमेज हमें कहाँ बनानी है, इमेज इज द न्यू नियर पॉइंट, ठीक, इमेज इज न्यू नियर पॉइंट, यू पता है वी पता है, ये भी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर है। आप एफ निकाल लेना यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता ही, 1/v - 1/u = 1/f, इस में वैल्यू पुट करके यू कैन सॉल्व, ठीक है। थर्ड डिफेक्ट ऑफ विजन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रेस बायोपिया क्या है, ड्यू टू ओल्ड एज जो है जो आई लेंस है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज, या फिर आप ये कहोगे सिलियरी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सो हाउ कैन यू करेक्ट इट, यू कैन करेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ बाई फोकल लेंस। कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो जिस टाइप का चश्मा पहनते हैं वो कुछ इस टाइप का होता है, इसमें दो लेंस लगे होते हैं, नीचे वाला जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर वाला जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, आपने देखा होंगे इस टाइप के चश्मे। सो दैट डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बाई फोकल लेंस।